हमीरपुर डिग्री कॉलेज की एबीवीपी छात्र इकाई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दर्जनों एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजा। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष सचिन लगवाल की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय गेट पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन कर छात्र संगठन चुनावों की बहाली की मांग की तो लंबित पड़ी समस्याओं को लेकर भी प्रदर्शन किया। इकाई अध्यक्ष सचिन ने बताया कि छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एबीवीपी छात्र संगठन के द्वारा एक मांग पत्र भी डीसी के माध्यम से सीएम को भेजा गया है ताकि समस्याओं का निवारण हो सके। उन्होंने कहा कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना जाता है तो एबीवीपी सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेगी। आज ये जो धरना यहाँ पे हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक जिला में जिला केंद्रों पर ये धरना जो विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जा रहा है ये उन्हीं मांगों पर है, जैसे कि कॉलेज में विद्यार्थी परिषद की शुरू से ये मांग रही है कॉलेज में जो स्टूडेंट का एक लोकतांत्रिक अधिकार है छात्र संघ चुनाव वो जल्दी से जल्दी कॉलेज में बहाल किया जाए। उसके अलावा जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी व नोने विश्वविद्यालय में जो भारी फीस वृद्धि हुई है उसके लिए वो हमने ज्ञापन में लिखित दिया है मुख्यमंत्री महोदय को डीसी के माध्यम से सौंप रहे हैं और हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उस फीस वृद्धि को वापस लिया जाए जो ज़्यादा भारी फीस वृद्धि यहाँ पे हुई है। एक और हमारा इसमें मुद्दा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि हमारा जिसके लिए अभी भूमि चयन नहीं हो पाया है, इतने वर्षों से उसका बोला जा रहा है कि उसका भूमि चयन होगा लेकिन अभी भी उसकी जो स्थायी बिल्डिंग है वो कहीं नहीं बनी है, उसका भूमि चयन नहीं हो पाया है। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जल्दी से जल्दी वो भूमि चयन हो तथा अन्य जहाँ भी जिस भी कॉलेज में अध्यापकों के रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए, ये विद्यार्थी परिषद की मांग है और ये मांग पत्र आज हम डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री मोदी जी को सौंपने जा रहे हैं कि अगर अभी विद्यार्थी परिषद की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो विद्यार्थी परिषद इससे भी उग्र रूप जो पूरे प्रदेश भर में अपनाएगी। और अभी तो ये सिर्फ एक जो धरना वो कॉलेज के डीसी ऑफिस कॉलेज के सामने हो रहा है डीसी ऑफिस के सामने हो रहा है, अगर जरूरत पड़ी और स्टूडेंट की मांगे हमें पूरी करने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम कल को चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं छात्रा अंकिता ने बताया कि छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए और छात्रों की मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले छात्रों से लुभाने वायदे किए थे लेकिन बाद में सरकार भूल गई है। आज का धरना जो था वो हमारी जो मांगे थी सरकार से उसके ऊपर था और साथ में जो छात्र संघ बहाल हुए हैं, मतलब छात्र संघ जो पहले होते थे चुनाव वो फिर से होने से ये इसके ऊपर था और हमारी कुछ मांगे जैसे फीस वृद्धि वगैरह तो उसके ऊपर था, मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। जैसे बीजेपी सरकार ने जो था वो सत्ता में आने से पहले बोला था कि हम दूसरा सिस्टम बंद करेंगे, दूसरा सिस्टम तो उन्होंने बंद नहीं किया, दूसरा सिस्टम किया पर उसमें भी जैसे हम सभी छात्र जो हमारा जो वो रिजल्ट क्लियर नहीं आ रहे हैं तो हमें परेशानी हो रही है। सरकार का सांसद का घेराव सब कर।